से मैं मोहम्मद शफीक रज़ा यशोधरा नगर का एक नागरिक हूँ और शांतता समिति यशोधरा पुलिस स्टेशन का एक ज़िम्मेदार भी हूँ। और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ लोग भी थे जो मीटिंग के अंदर में आए हुए थे। जिस तरीके से PI भेदुलकर सर, इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी हमको कि जो कुछ नए कानून आए हैं उस बेसिक पर कि इसके अंदर में कोई डरने वाली और कोई घबराने वाली कोई मामले की बात नहीं है। जिस तरीके से कि हमारे PI सर ने जो कहा कि ऑटो वाला एक्सीडेंट कर लेता था और भाग जाता था, उसके लिए भी कोई घबराने वाली बात नहीं आई। जिस तरीके से उन्होंने बताया है उस पर यह समझ में आया है कि तकलीफ़ वाले कानून नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से कि शासन और प्रशासन को उसी एंगल से कानून और कायदा बनाना चाहिए जिस तरीके से पहले संविधान में था, उसी तरीके से चला जाए। और अच्छे सेक्शन बताया है हमारे PI साहब ने और यशोधरा क्षेत्र के अंदर में काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, इनकी टीम भी अच्छा काम कर रही है। और जिस तरीके से के भेदुलकर सर आए, जब से क्रैम भी थोड़ा ख़त्म हुआ है, अब इसके पहले जो था मामला वो बहुत वर्कलोड था मामला, और अभी का जो मामला है तो कुछ उसके अंदर में राहत मिल रही है, जनता को भी मिल रही है, गरीब गुरबाओं को भी मिल रही है। और हमारे भेदुलकर सर कहीं अगर छोटा मोटा अगर क्रैम होता है तो बहुत जल्दी अपने स्पॉट को लेकर पहुँच भी जाते हैं। और प्लस में किसी गरीब गुरबाओ पे अगर जो बेचारे बेगुनाह हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी सर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमने इनको देखा है। इस तरीके से इस मामलात में कोई बात की दिक्कत और परेशानी नहीं है। जो कानून इन्होंने कहा है वो अच्छे हैं। जय हिंद।